नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अक्षय प्रताप। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। ओबीसी बिल को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को लेकर राज्यसभा में मिली मात के बाद अब बीजेपी दो तरफा रणनीति पर काम करेगी। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक एक तरफ पार्टी ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए नया बिल लाने की तैयारी करेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष के दाव को पलटते हुए इस वजह से होने वाली देरी के लिए कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को घेरने के लिए जोरदार अभियान चलाएगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी का मानना है कि पिछड़ों के बीच ये मैसेज जाना चाहिए कि उन्हें बिल के जरिए जो अधिकार मिलने जा रहे थे उनमें कांग्रेस ने रुकावट पैदा की है। लश्करे तैयबा के कश्मीर चीफ अबू दुजाना को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पाकिस्तान का दुजाना 2014 से कश्मीर में सक्रिय था और सुरक्षा बलों पर हुए मुख्य हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता था। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि दुजाना सुरक्षा बलों को आधा दर्जन बार चकमा दे चुका था। पाकिस्तान में आए राजनीतिक भूचाल के बाद सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शाहिद खाकन अब्बासी को देश का अंतरिम पीएम चुन लिया गया है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में मंगलवार को इसका ऐलान हुआ। अब्बासी के खिलाफ कुल 6 उम्मीदवार थे, लेकिन अब्बासी ने विपक्षी उम्मीदवारों को मात दे दी। अब्बासी को 221 वोट मिले। आपको बता दें कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ की सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय संभाल रहे अब्बासी अगले कुछ दिनों तक देश की बागडोर संभालेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि वो जल्द ही बालू माफियाओं के आरजेटी के साथ संबंधों को सबूतों के साथ उजागर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के परिवार की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। सुशील मोदी ने कहा, बालू माफिया राजनीतिक दलों को फंडिंग करते हैं। बालू माफिया आरजेडी की फंडिंग के मुख्य स्रोत हैं। मैं लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों के बालू माफियाओं के साथ संबंधों के बारे में जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करूंगा। मंगलवार को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर करारा पलटवार करते हुए उन्हें सत्ता का लोभी और पलटूराम करार दिया। लालू ने कहा कि नीतीश तेजस्वी यादव के अच्छे काम से डर गए थे और बहाना बनाकर बीजेपी के साथ मिल गए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सिर्फ बहाना थे। तेजस्वी अगर इस्तीफा भी दे देते तब भी नीतीश बीजेपी के साथ ही मिलते। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया अपना पद छोड़ेंगे। पनगड़िया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्हें 31 अगस्त से रिलीव कर दिया जाए। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी उनका अवकाश बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो नीति आयोग की जिम्मेदारी और नहीं संभाल सकते। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया था। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों और मिसाइल परीक्षणों के खिलाफ लगातार सख्त रुख दिखाने के बाद अमेरिका ने अपना लहजा थोड़ा सा बदला है। अमेरिका ने कहा कि वो नॉर्थ कोरिया में सत्ता परिवर्तन नहीं करना चाहता। साथ ही अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया से बातचीत को लेकर भी अपनी रजामंदी जाहिर की है। अमेरिका ने कहा कि हम नॉर्थ कोरिया के दुश्मन नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा कि उनका देश नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनके शासन को बदलना नहीं चाहता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ कोरिया को भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल कार्यक्रम को रोकना पड़ेगा। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए पेटीएम जल्द ही अपने ऐप में चैट मैसेंजर फीचर लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फीचर के आने के बाद 23 करोड़ यूजर बेस वाली कंपनी के ऐप से लोग अपने नेटवर्क में आसानी से कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसके साथ ही लोग म्यूजिक, फोटो और वीडियो भी शेयर कर सकेंगे। राजस्थान, हरियाणा के बाद अब दिल्ली NCR में भी चोटी कटने की घटनाओं से दहशत है। मंगलवार को दिल्ली के पालम में साधनगर में एक महिला की रहस्यमय तरीके से चोटी कट गई। प्ले स्कूल से अपने पोते को घर लाने के बाद महिला सिर में तेज दर्द होने की वजह से लेट गई। 1.5 घंटे बाद उन्हें पता चला कि उनकी चोटी कट गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि चोटी कटने की बढ़ती वारदातों के बीच असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने की आशंका भी बढ़ गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स.com के साथ। नमस्कार।